हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सोनेट के एसटीके ऑप्शनल डीजल वेरिएंट के बारे में। तो पहले ये वेरिएंट आता था थर्ड, अब ये वेरिएंट हो चुका है सेकंड, क्योंकि जो एसटीके मॉडल था और एसटीई मॉडल था वो बंद हो चुके हैं। अब एसटीई ऑप्शनल मिलेगा आपको डीजल में, और डीजल में ही एसटीके ऑप्शनल मिलेगा। तो ये दो वेरिएंट मिलेंगे आपको बेस, मतलब शुरुआती जो होता है फर्स्ट और सेकेंड। तो ये सेकेंड वाला वेरियंट अब ये हो चुका है, तो इसी के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। क्या मिलता है? तो बहुत कुछ मिलता है भाई इस वेरिएंट के अंदर, मतलब बेसिक सारे ही फंक्शन मिल जाते हैं इसके अंदर एडिशनल को छोड़ के। तो एसटीके ऑप्शनल डीजल के बारे में वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर एक शोरूम प्राइसिंग की बात करते हैं हम, तो इसका आता है 10,87,900 रुपये, और ऑन रोड की अगर बात करता हूँ हरियाणा के अंदर तो 12,34,980 रुपये, मतलब 12-35 का मान लो आप कि ये हरियाणा के अंदर कॉस्ट करता है। पर इस वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं, और मेरे को अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूँ तो मेरे को ये ज़्यादा लगता है, क्योंकि एसटीके प्लस के अंदर अपना क्या है कि सनरूफ नहीं मिलता है भाई, इसके अंदर अपने को सनरूफ मिलता है। तो एसटीके प्लस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एसटीके के अंदर मतलब सनरूफ मिल जाएगा, जिन लोगों को सनरूफ भाई चाहिए ही चाहिए उनके पास ये ऑप्शन है, और जिनको सनरूफ के बिना काम चल जाएगा तो एसटीके प्लस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लाइट्स वगैरह है वो चेंज कर दी गई है, तो वो भी हो जाता है उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको जो है इसके अंदर हाइड्रोजन लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, ये लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे पार्किंग बल्ब मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी डीआरएल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो कि एसटीके प्लस में अब ऐड कर दिए गए हैं। मतलब क्राउन जो एलईडी हेडलाइट है वो एसटीके प्लस में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी आपको, पर इसके अंदर भी अच्छी लाइटें आती हैं। और ये जो बल्ब आते हैं आप इनको चेंज करा के वाइट लाइट भी डलवा सकते हो, उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। जो ग्रिल मिलती है वो इसके अंदर मैट कलर की मिलती है, ये वाली चीज़ है। चार फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, स्किड प्लेट भी आ जाती है। जो इंजन प्रोटेक्शन कवर होता है वो भी इस वेरिएंट के साथ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वाला हो जाता है भाई इसका फ्रंट का। अब साइड में सबसे पहले बात करता हूँ, तो फेंडर पर आपको इंडिकेटर मिलेगा। मिरर जो मिलते हैं वो आपको इलेक्ट्रिकली मतलब एडजस्टेबल मिलेंगे, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। 16 इंच का टायर साइज़ देखने के लिए मिल जाएगा, फ्लैक्स व्हील के साथ, मतलब कि स्टाइल व्हील कवर के साथ, कवर्स ही होते हैं, अलॉय व्हील नहीं होते हैं। 215/60/R16 का सेक्शन आता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चारों टायरों के अंदर हाईलाइन वाला मिल ही जाता है। 205 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स और जो पिलर्स होते हैं वो बॉडी कलर आते हैं। फ्लोटिंग टाइप की रूफ रेल मिल जाती है। रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाएगा। एडिशनल जो चीज़ ऐड हुई है जुलाई अपडेट के अंदर वो इसमें आता है, रियर वाइपर और रियर वॉशर, ये चीज़ ऐड हो चुकी है। डीफोगर पहले से अपने को मिल ही रहा था, और कनेक्टेड टेल लाइट है वो भी इसके अंदर हमें मिलती ही थी भाई पहले से। एक बार आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ भाई, इसकी आप कनेक्टेड टेल लाइट देख सकते हो। तो सारी चीज़ आई गई भाई, वाइपर वॉशर भी आ चुका है, कैमरा वगैरह हमें पहले से मिल ही रहा था। तो वो वाली चीज़ है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रियर में स्किड प्लेट आ जाती है, कैमरे की प्लेसमेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी भाई, और किया का लोगो सेंटर में। सारी चीज़ ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेल गेट ओपनर आ जाता है। 385 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। पार्शल सेल्फ आप लगवा सकते हैं एक्सेसरीज़ के अंदर। यहाँ पे एक हैंगर मिल जाता है सामान हैंग करने के लिए, और फर्स्ट एड किट और ट्रायंगल वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। स्पेयर वे मिलता है 15 इंच का। सेक्शन दिखाऊँ तो 195/65R15 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। टूल जैक वगैरह यहीं मिल जाते हैं, और सीटों के अंदर बेंच फोल्ड का ऑप्शन मिलता है। तो इसको पूरी यहाँ से आप फोल्ड कर पाओगे, इनको अनलॉक करके दोनों साइड से फोल्ड करना है तो आप ऐसे करके इनको फोल्ड कर सकते हो, कुछ इस तरीके का भाई ये फोल्ड हो जाती है, और डीप काफ़ी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीप है, वो सीटें ऊपर हो जाती है, तो कुछ इस तरीके का भाई वो नज़र आता है। यहाँ से दिखाऊँ तो इंटीरियर का भाई कुछ इस तरीके का नज़र आएगा अपने को, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। इसको बंद करते हैं। ड्राइवर साइड सारी चीज़ सेम मिलेगी, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, चाबी से ही आपको इसको लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी, तो जो चाबी आती है एसटीके ऑप्शनल के अंदर वो भाई इस तरीके की आती है, कुछ इसके अंदर लॉक का, अनलॉक का और डिग्गी अनलॉक का और फ्लिप की होती है। तो इसको आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट के अंदर इजीली भाई मतलब रख भी सकते हो। ये वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी एसटीके ऑप्शनल में। एसटीके प्लस में स्मार्ट की आती है, पुश बटन स्टार्ट वाली और रिमोट इंजन स्टार्ट वाली। एसटीके ऑप्शनल के अंदर आपको ये वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। और जो इंटीरियर आता है वो पूरा ब्लैक आता है, और जो सीटें होती हैं वो सेमी लेदरेट ब्लैक कलर की सीटें होती हैं। इंटीरियर में यहाँ पे बात करते हैं तो पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो के स्विच है, पर कोई वन टच अप एंड डाउन के साथ नहीं आता है। एक बार चाबी लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, वन टच अप एंड डाउन कोई से भी नहीं आता है, जितना प्रेस करके रखोगे उतना ही खुलेगा और उतना ही डाउन जाएगा। सारे ये नॉर्मल वाले आते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। मिरर आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, जो फोल्डिंग का ऑप्शन है वो इसमें नहीं मिलेगा, इससे ऊपर वाले वेरियंट में आपको मिलेगा। यहाँ पर एक ट्विटर आता है, और उसके नीचे स्पीकर आता है, बोटल होल्डर,
अम्ब्रेला होल्डर ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, यहाँ पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, सेमी लेदर सीट है आप देख पा रहे हैं। अभी सीटों के अंदर दो एयरबैग आते हैं, मतलब एक ही सीट में, एक उस सीट में दो फ्रंट में, और दो आते हैं वो पिलर्स के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो टोटल 6 एयरबैग इसके अंदर देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। यहाँ से जो फ्यूल टैंक है वो ओपन कर पाओगे, ABC पैडल यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से जो इसका है हुड वो ओपन कर पाओगे और यहीं पे फ्यूज़ बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। अभी एक बार मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ और इसके बारे में बात करते हैं। तो ST के ऑप्शनल के अंदर भी जैसे भाई बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल के अंदर सेम ही इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 1.5 लीटर का आता है ये, 4 सिलेंडर इंजन होता है और पावर 115 PS की और 250 NM का टॉर्क बनाता है। लगभग 22 के आसपास ये आपको माइलेज दे देगा। यहाँ पे हुड इंसुलेटर वगैरह कुछ दिया नहीं गया है, तो NVH इतने भी ज़्यादा नहीं आते सोनेट के अंदर, क्योंकि अंदर जो NVH को कंट्रोलिंग के लिए कंबल दिए गए वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। फिट एंड फिनिश अच्छा मिल जाता है यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अच्छे से। और इंजन यहाँ पे आपको डीजल वाला है तो भरा भरा नज़र आएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है ये इंजन और भाई काफ़ी रिलायबल है, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ, अब डिटेल से बात करेंगे क्या क्या चीज़ इंटीरियर में हमें मिलती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती रहती है। बाकी और किस वेरिएंट का आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, अगर वो गाड़ी अवेलेबल होगी हमारे पास तो उसकी वीडियो सेम डे या नेक्स्ट डे मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आप किसी और की वीडियो के अंदर उसको सर्च कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पर भी सजेशन के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर बात करते हैं तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है यहाँ पर, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का, ISG को ऑन ऑफ करने का, और यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलर वो देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे के इवेंट कुछ इस तरीके के आते हैं और इनको आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इनको आप ऐसे करके क्लोज़ भी कर सकते हैं किसी भी ब्रांड्स को, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। स्टेयरिंग के अंदर नॉर्मल आता है, यहाँ पे कोई डी कट वाला स्टेयरिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा, और इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, वाइपर के कंट्रोल यहाँ आ जाते हैं, और ये वाले जो कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं ये उस क्लस्टर के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है पावर जो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की कंट्रोल है वो आ जाता है। फॉलो मी फंक्शन तो वगैरह भाई आता ही इनके अंदर पहले से ही, तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ST के ऑप्शनल वेरिएंट से आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये वाली चीज़ मिलेगी। उसके बाद 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, इसके अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं और एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वायरलेसली ये सपोर्ट करता है, और इसकी ऑडियो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है भाई। और ये जो वाइट कलर की आप देख पा रहे हैं टेप लगी हुई है, तो इनको आप रिमूव कर दोगे तो पूरा ये जो है डैशबोर्ड ये मतलब एक तरीके से पियानो ब्लैक कलर का नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे फुल ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर की यूनिट देखने के लिए मिल जाती है जो कि ST के ऑप्शनल वेरिएंट से ही स्टार्ट होती है और काफ़ी अच्छा काम करती है, और फिजिकल स्विच दिए गए तो इनकी वजह से यूज़ करना भी इजी हो जाता है। सेम इनको भी अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं किसी भी इवेंट्स को तो आप क्लोज़ कर सकते हो, और उसके नीचे यहाँ पर उसके बाद आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है, एक यहाँ पर माइक मिलता है, उसके अलावा एक माइक हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस आ जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा देखने के लिए, 12 वोल्ट 180 वाट का सॉकेट आ जाएगा, टाइप ए पोर्ट आ जाएगा, और यहाँ पे बुलेट वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो। यहाँ पे गियर लीवर आता है, 6 गियर के साथ आती है, रिवर्स गियर उठ के इंगेज होता है यहाँ से, ये कैमरे की क्वालिटी आ जाती है, और इसके अंदर भी 2 एडजस्टेबल गाइडलाइन के साथ ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो ये कुछ क्वालिटी आ जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा इसके अंदर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर एक बार मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये नॉर्मल आता है, वो लेदर के साथ नहीं आता है, पर यहाँ पे लेदर का कपड़ा यूज़ किया गया। इसके सराउंडिंग में सिल्वर गार्निश यूज़ की गई जो कि अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक बोटल होल्डर, फ़ोन होल्डर, कप होल्डर आता है, और जो इसकी टिप आती है वो भी ब्लैक कलर की आती है। आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट वाला, और इसके नीचे स्टोरेज स्पेस आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ये जो है अपने को ग्लव बॉक्स मिलेगा, कोई कूलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको डे नाइट एडजस्टर मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर जो DPF परफॉर्म करने का है मैनुअली ही वो उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, अच्छी बात है। और यहाँ पे ये आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको भाई वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसका आप पढ़ सकते हो इजीली। सनग्लास होल्डर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे माइक की लेसन बता दी थी आपको, सनरूफ खोलना है क्योंकि सनरूफ आपको ST के ऑप्शन में मिलता है। इससे नीचे वाले वेरियंट में भी जो ST ऑप्शन है उसमें भी सनरूफ मिलता है, पर जो थर्ड मॉडल है ST K+ उसमें डीजल के अंदर सनरूफ नहीं मिलता, डीजल का पेट्रोल में भी नहीं मिलता उसके अंदर, वो वाली चीज़ है भाई, इसको आपको हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। ये वाले यहाँ से लाइटें ऑन करोगे तो पूरी मतलब पीछे तक की हो जाएगी, और इंडिविजुअल ऑन करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो किसी भी लाइट को। यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे एक अपने को वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ऑल ब्लैक इंटीरियर यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसके बाद रियर का इंटीरियर देखा तो कुछ इस तरीके का मिलता है भाई, और बाकी रियर सीट पर चल के बताता हूँ क्या चीज़ मिलती है रियर सीट पर।
एयर सीट के ऊपर सबसे पहले आपको सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको आप लगा सकते हो। तो इसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है सन के मामले में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये काम भी करता है। उसके बाद ये सिल्वर कलर के डोर ओपनर आते हैं, पावर विंडो का स्विच आता है, यहाँ से पकड़ के आप इसको क्लोज कर पाओगे, स्पीकर आ जाता है, और यहाँ पे बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। सेमी लेदरेट सीट आती हैं, तो यहाँ पे ये जो आप ब्लैक कलर का देख पा रहे हो पूरा, ये आ जाता है भाई लेदर, और ये जो सेंटर में देख पा रहे हो ये आ जाता है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये फैब्रिक आता है। यहाँ पे एक छोटी पॉकेट और एक बड़ी पॉकेट आ जाती है, रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं, और टाइप सी के दो पोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ये वाली चीज़ आ जाएगी रियर सीट पर, दो फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, पर तीनों बंदों के लिए 3.0 सीट बेल्ट मिल जाती है और वेट सेंसर के साथ मिलती है। तो यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, जो ऐड हो चुके हैं, पहले ऑफर नहीं किए जाते पर अब हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए भाई, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उनके एक्चुअल में बहुत काम आते हैं। और स्पेस वगैरह की कोई कंसर्न नहीं है भाई, गाड़ी के अंदर अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे सनरूफ में एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो ये कुछ यहाँ से लुक आएगा भाई इसका पूरा ड्राइवर साइड से, तो जिस तरीके का व्यू मिलेगा। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस वेरिएंट की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।